के रिलेटेड है और साथ में पैसों के रिलेटेड, मनी दम के रिलेटेड। ठीक है। शाह साहब से ना मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम बात हुई थी, तब तो इन्होंने ख्वाब भी कहा था कि मेरा सफ़र कर लो तो सफ़र बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने सफ़र कर लिया, मैं गई, कल गई थी मैं शादी पे गई थी अपनी फूफो की तरफ, उनके बेटे की शादी थी। तो वहाँ से तो पहले ये हुआ कि हम लोग ना ये टेंशन थी कि किस तरह जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि गाड़ी का कोई कन्वेंस ही नहीं थी ना। तो फिर हम लोगों ने बस का इरादा किया कि बस से जाएंगे। तो वहाँ वैक्सीनेशन कार्ड की जरूरत थी, तो वैक्सीनेशन कार्ड हमारे पास था नहीं। तो बाय चांस वहाँ पे कोई लड़की मिली, उसने खुद ही हमारी हेल्प कर दी और हमें 3 टोकन लेके दे दिए बगैर कुछ कहे। ठीक है फिर, ये तो अच्छी टेस्ट तो होनी नहीं है। ठीक है अच्छा साथ में, ये तो मरवा देगी। हम लोग ना फिर फिर हम लोग टोकन लेके हम लोग वहां पहुंचे हैं। फिर वहां रास्ते में ना हम लोग ऑटो पे जा रहे थे ना, तो इतने रास्ते हमें पता ही नहीं कोई थे वहां पे कि किस तरह पहुंचना है। रास्ते में इतना रात के 10 बज रहे, रात के बल्कि 8-9 बज रहे थे, रास्ता इतना सुनसान था, हमें पैदल चलना पड़ा, इतना कुछ हुआ। फिर हम पहुंच ही गए वहां पे। तो अब वहां पहुंच के तो खाना वगैरह खाया जो मेन चीज थी। क्या खाना खाने गए थे इतनी मुसीबत उठा के? हद हो गई है। सिस्टर ज़ाहिरा से बात करते हैं, वो वैसे पहुंचा देती खाना। मैं पूरे रास्ते शाहजी को सोची जाऊं ग्रंपी, शाहजी शाहजी ने एक फोटो लगाई थी ग्रंपी की वीडियो, मैं वो सोची जाऊं। वो जब हम लोग सुनसान रोड पे थे ना, मैं सब पूरे रास्ते सोची जाऊं शाहजी को, मैं ये देखी जाऊं, मैं वीडियो देखी थी एक शाहजी की, उन्होंने भेजी थी ग्रंपी वाली, तो मैं वो सोची जाऊं अपने दिमाग अभी भी डीपी पे ग्रंपी। तो मामा ने ना वो तस्वीर भी खोल के लगा दी सामने, मैंने फिर देख ली, मुझे और तसल्ली हो गई। मामा भी एंजॉय कर रही है यार, शहजादे यार। मम्मा को लेफंटर ग्रुप में डाल दो यार, हद हो गई है यार। हाँ मम्मा को डाल दो लेफंटर, बहुत लेफंटर क्या मारती है मम्मा। हाँ लेफंटर ग्रुप में, बाकी ईमान ऐड कर दो मम्मा को इनकी ना, अच्छा मजा आएगा जरा ना। तो फिर ना हम लोग शादी पे खाना वगैरह खाया, वहाँ पे ना हमारे चाचू हैं, चाचू वो बाहर से आए हुए हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री से। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया कि कैसे आए हो, सारा कुछ पूछ लिया किस तरह आए हो, तो हमने बता दिया हम इस तरह आए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा चलो अब मैं तुम लोगों को छोड़ के आऊंगा, फिर हम लोग उनके साथ गए वापसी पे, ये भी टेंशन थोड़ी कम होगी, चलो घर पहुंच गए सुकून से और तसल्ली से। रात के 11-12 बज रहे थे, तो घर पहुंचे, फिर उन चाचू ने ना मुझे भी 5,000 दिया और मेरे बहन भाइयों को भी 5,000 दिया सबको। मैंने कहा था ना कि सफर अच्छा होगा, चली जाओ, मैंने कि उसको कहा, मुझे याद मुझे है इतना मजा आया, मैं इतनी लुडिया डाली। मैं घर में इतनी खुश। हाँ बाद में मैं इन सबको कह रही थी वो पैसे मुझे पकड़ाओ। वाकई सही बात है। सही। लेकिन चाचू को, चाचू को कह रही थी पैसे मुझे तो मैं मोबाइल लूंगी। चाचा को ये तो नहीं दिखाया कि इनके कहने पे हम गए थे ग्रंपी के कहने पे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं किया। लेकिन वैसे सफर बहुत मुबारक रहा, बहुत अच्छा मजा आया मुझे। हाँ ये बात जो है, ये बात बड़ी इल्मी चीज है। क्या कहते हैं हमारे अब्बा कहते थे बस कर दो, जो कह रहे हैं कर दो, उसको सोचो नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, बस कर दो। सोचना नहीं चाहिए, मैंने सोचा नहीं चाहिए, कर गुजरना। मैंने बस वहां जाके एक चीज सोची थी कि जो चीज आ रही होगी ना मैं वो लूंगी, मैं मांगूंगी नहीं, बस मांगूंगी बिल्कुल नहीं, मैंने ये सोचा था। अब ग्रंपी को जो चीज आ रही थी मैं वो ले रही थी। ये बाजी आप बैंगलोर